हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सबको स्वागत है। और दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं एडवांस आयरन फ्लाई के बारे में, या आप इसको कह सकते हैं ब्रोकन लेग आयरन फ्लाई। ठीक है, तो बात करेंगे आज इसमें कि किस तरह से जब हम एक एडवांस आयरन फ्लाई मार्केट में डिप्लॉय करते हैं, तो अगर हमारा व्यू हमारी आयरन फ्लाई के अगेंस्ट में चला जाता है तो उसको कैसे हम मैनेज करेंगे, क्या उसके एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है दोस्तों, इसलिए जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आने वाले टाइम पे एज आई प्रोमिस टू ऑल ऑफ यू कि आई एम गोइंग टू गिव यू मोर एडवांस एडजस्टमेंट्स एंड मोर एडवांस स्ट्रेटेजीज ओवर हेयर ऑन दिस चैनल, राइट। एंड अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं दोस्तों टेलीग्राम चैनल के थ्रू, तो ये अपना टेलीग्राम चैनल है ऑप्शन डिकोडेड। इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको मार्केट की जो भी अपडेट्स हैं या मेरी अपनी अपडेट्स हैं वो यहाँ पे मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम आयरन फ्लाई के बारे में। तो पहले तो हम देखते हैं कि आयरन फ्लाई को लगाते कैसे हैं और कैसे उसको जो है हम एडवांस आयरन फ्लाई में या ब्रोकन लेग आयरन फ्लाई में हम उसको कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो देखिए, अभी मैंने जानबूझ के ये 23 सितंबर की एक्सपायरी यहाँ पे सेलेक्ट की है। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो है यहाँ पे व्यू गलत जाए, रॉन्ग जाए, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये टफेस्ट एक्सपायरी यहाँ पे सेलेक्ट की है, जहाँ पे मार्केट में ऑलमोस्ट आपको एक वी शेप की रिकवरी देखने को मिलेगी, और उस वी शेप की रिकवरी में हम किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी को मैनेज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट देखने वाली बात हो। ओके दोस्तों, तो देखिए ये 23 सितंबर की एक्सपायरी है, इसको लगाए हैं हम 17 तारीख को। 17 तारीख को जो है फ्राइडे था, राइट। तो फ्राइडे को हम जनरली आयरन फ्लाई डिप्लॉय करते हैं। 9:20 का टाइम हो रहा है, मार्केट है दोस्तों 37,900। तो पहले तो हम यहाँ पे लगाते हैं आयरन फ्लाई। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आयरन फ्लाई को हम कैसे डिप्लॉय करते हैं, एटीएम पे, ठीक है। तो एटीएम कहाँ पे, 37,900। तो यहाँ पे हम एक कॉल सेल कर देंगे और दोस्तों एक पुट भी यहां पे हम सेल कर देंगे। तो एक कॉल और एक पुट, 0.5 0.5 डेल्टा का जो है हमने यहां पे सेल कर दिया है, राइट। अब इसको आयरन फ्लाई बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जनरली 0.2 डेल्टा का हम यहां पे कॉल और पुट बाय करते हैं। तो 0.2 डेल्टा का पुट ये रहा, तो इसको मैं बाय कर लेता हूं। तो ये मैंने बाय कर लिया और 0.2 डेल्टा का कॉल यहां पे हमको बाय करना है। तो 0.2 डेल्टा का दोस्तों ये कॉल हमने यहाँ पे बाय कर दिया। अब देखिएगा, अब ये हमारी बन गई है आयरन फ्लाई। इसमें मैक्सिमम लॉस देखिएगा आप, लगभग 9,000 के आसपास है। मैक्सिमम प्रॉफिट है हमारा 13,500। अब सपोज करिएगा आपका व्यू है मार्केट में कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। तो अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो जनरली हम क्या करते हैं, ये जो बाइंग लेग हमारी पुट साइड की, इसको हम हटा देते हैं। तो इस पुट को नहीं लगाते, चलिए इसको यहां से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमारा जो मैक्सिमम लॉस था वो कितना था, लगभग 9,000। अब ये लॉस हमारा मैक्सिमम ऊपर की तरफ रह गया, लगभग 5,800, राइट। तो अब ये हो गई हमारी एक तरह से ब्रोकन लेग आयरन फ्लाई, राइट दोस्तों। अब देखिएगा, इसमें हमारा व्यू रॉन्ग जाता है, तब इसको हम किस तरह से एडजस्ट करते हैं। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैं पहले ही आपको जो है डिस्क्राइब कर देता हूं, और उसी तरह से हम यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे। देखिए, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो पता ही हमको मैक्सिमम लॉस हमारा इतना है। अगर जब भी मार्केट आपका इस ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचे, ऊपर का ब्रेक इवन कहाँ पे आपका 38,567 इस लेवल पे पहुंचे, तब आप क्या करें, यहां से 0.2 डेल्टा का जो है पुट, यहाँ पे एक पुट सेल करेंगे, तो ये आपका ऊपर की साइड का कंप्लीटली लगभग लॉसलेस हो जाएगा। तो ये तो बात रही ऊपर की तरफ का एडजस्टमेंट का। फिर आप क्या कर सकते हैं, मार्केट अगर और ऊपर जाए, ठीक है, तो टू इंक्रीज योर प्रॉफिट यू कैन शिफ्ट योर सेलिंग पुट टू अपसाइड सिंपली। और जो हमने जो एक्स्ट्रा पुट यहाँ पे सेल किया है, आप इसको भी फिर से अगेन जो है 0.2 डेल्टा पे दोबारा फिर से शिफ्ट कर सकते हैं, अगर उसका डेल्टा 0.2 से नीचे आ जाता है, राइट। तो ये तो ऊपर की बात हो गई, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा ये जो नीचे की साइड में है ना दोस्तों, ये यहाँ पे अनडिफाइंड लॉस की कंडीशन है, ठीक है। ऊपर की तरफ तो हमारा डिफाइंड लॉस है, लेकिन नीचे की तरफ हमारा अनडिफाइंड लॉस है। तो
अगर मार्केट नीचे की तरफ आने लगे तब उसको कैसे मैनेज करें, ये है मेन इंपॉर्टेंट बात। तो इसी के बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे, कैसे ऐसी सिचुएशन में हमको अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट करना। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, देखिएगा, ये जो मैंने एटीएम कॉल और पुट सेल किए, ठीक है, जब भी इस कॉल का डेल्टा हमारा 0.5 से नीचे जाएगा, 0.5 से नीचे जाएगा और मार्केट जो है हमारे ये जो डाउन साइड का जो स्लोप है इस स्लोप के लगभग मिडल में होगा, ठीक है, तो मिडल में जहां भी होगा तब हमको क्या करना है, क्योंकि जब मार्केट नीचे की तरफ आएगा ऑब्वियसली तो इस कॉल का डेल्टा कम हो जाएगा, तो इस कॉल के डेल्टा को फिर से हमको 0.5 डेल्टा पे लेके जाना। एक तो सिंपल एडजस्टमेंट हमको ये करना है, मतलब इस कॉल का डेल्टा को हमको हमेशा जो है 0.5 डेल्टा पे रखना है, ये कोशिश रहेगी हमारी पहली। तो सेकंड, इसमें एक और एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। वो क्या एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, अगर सपोज करिए देखिए जब मार्केट नीचे की तरफ आएगा तो ऑब्वियसली इस पुट का डेल्टा इंक्रीज होगा, ठीक है, तो जब भी इस पुट का डेल्टा आपका हो जाए कितना, 1, ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जब भी इस पुट का डेल्टा आपका हो जाए 1, तो आपको करना क्या है, इस पुट में से एग्जिट करके इसको डिवाइड कर देना है 2 पार्ट्स में, मतलब इसको ब्रेक कर देना है 0.5 डेल्टा पे, मतलब जब इस पुट का डेल्टा -1 हो जाए या 1 हो जाए तब इस डेल्टा से, इस पुट से एग्जिट करके हमको 0.5 डेल्टा के 2 पुट सेल कर देने, एक काम हमको ये करना है, ठीक है। तो इन 2 प्रिंसिपल्स पे हमको काम करना है, हमारी पोजिशन जो है मैनेज हो जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं इसको किस तरह से हमको मैनेज करना है। तो अब मैं इसको जो है पहले डायरेक्ट वन डे से आगे बढ़ाता हूँ। तो देखिएगा, हम एक दिन जैसे हमने बढ़ाया इसको तो हम आगे लॉस में, और देखिएगा जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी हम इस स्लोप के मिडल में होंगे, तो लगभग मिडल में है हम यहाँ पे, ठीक है, तो करना क्या है हमको, देखिए ग्रीक्स में चलते हैं हम, हमारी जो कॉल का डेल्टा है पहले कितना था 0.5, अब 0.5 से डेल्टा कितना रह गया है 0.28, तो इसमें से एग्जिट करेंगे और इसमें से एग्जिट करके हम फिर से क्या करेंगे, 0.5 डेल्टा का कॉल सेल करेंगे। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इससे एग्जिट कर लो, या अगर आपके पास में कैपिटल का इश्यू नहीं है तो आप लगभग 0.2 डेल्टा या 0.3 डेल्टा का एक कॉल और एक्स्ट्रा सेल कर दो सिंपली, ठीक है। तो इसका डेल्टा ओवरऑल करके कितना हो जाएगा दोस्तों, 0.5। तो देखिए मैं इसको जो है ऑप्शन चेन में गया और मैं यहाँ पे 0.2 डेल्टा का एक एक्स्ट्रा कॉल सेल कर दूंगा। तो देखिए 0.2 डेल्टा का कॉल ये रहा, इसको यहाँ पे हम सेल कर देते हैं 1 लॉट। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे 0.28 और 0.2 लगभग लगभग ये हमारा हो गया है 0.48, तो 0.48 लगभग ये हमारा हो गया है 0.5 डेल्टा कॉल साइड, ठीक है, और ये पुट साइड का डेल्टा अभी कितना है 0.72, तो अभी कंप्लीट 1 नहीं हुआ है, जब 1 होगा तब हम इसमें से एग्जिट करके 0.5 डेल्टा के 2 पुट यहां पे सेल कर देंगे, ठीक है, इसको ब्रेक कर देंगे हम इसमें 2 पार्ट्स में। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा हम और आगे लेके चलते हैं। तो देखिए अभी मार्केट जो है लगभग रेंज में ही हमारी में, कॉल और पुट का डेल्टा जो है लगभग हमारा मैनेज्ड है, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो अभी भी मार्केट जो है ऑलमोस्ट हमारी रेंज में ही है, मैं आपको पे ऑफ ग्राफ में लेके चलता हूँ तो यहाँ से आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है, अभी मार्केट हमारी बिल्कुल मिडिल ऑफ द रेंज में है और हम लगभग अभी देखिए प्रॉफिट में भी है थोड़े से, तो इसको और आगे लेके चलते हैं, अभी भी हम बीच में हैं, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिएगा हम जो है ऑप्शन ग्रीक्स में चलते हैं अपने, अब देखिए कॉल साइड का डेल्टा कितना है हमारा, कॉल साइड का डेल्टा जो है 0.2 और 0.1, 0.3 डेल्टा है, और पुट साइड का डेल्टा में अभी हमको कुछ भी नहीं करना है जब तक ये 0.1 पे ना पहुंच जाए, ठीक है, 0.1 नहीं सॉरी पूरा 1 पे पहुंच जाए, जब तक ये 1 पे पूरा नहीं पहुंच जाएगा तब तक हम इस पुट साइड को कुछ नहीं करेंगे, हमको सिर्फ जो है ये कॉल साइड का डेल्टा को मैनेज करना है 0.5 डेल्टा तक, राइट। तो अभी देखिएगा कितना है इसका डेल्टा ओवरऑल करके, कॉल साइड का 0.2 ये रहा और 0.1 ये रहा, तो लगभग जो है हमारा ये 0.3 डेल्टा के आसपास है, 0.35 के आसपास होगा, ठीक है, तो 0.35 के आसपास लगभग 15 डेल्टा का यहाँ पे 0.15 डेल्टा का एक डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो क्या करना चाहिए हमको, इस कॉल को एग्जिट करके हम शिफ्ट कर लेते हैं नीचे की तरफ सिंपली, ठीक है, तो अभी मैं इसको शिफ्ट कर लेता हूँ,
अभी देखिए ये जो कॉल है ये मेरी ट्रेड कर रही है अभी 72 रुपीज़ पे, तो इसको आप चाहें तो अगर आपके पास कैपिटल और है तो आप एक्स्ट्रा कॉल सेल कर लीजिएगा, नहीं है अगर आपके पास में तो इस कॉल को सिंपली आप शिफ्ट कर दीजिएगा। तो एक बार शिफ्ट कर लेते हैं इसको, तो 72 रुपीज़ पे इसको हमने क्लोज कर दिया। और अब मुझे कितना डेल्टा चाहिए कॉल साइड में, लगभग 0.3 डेल्टा मुझे चाहिए, ठीक है। तो हम गए ऑप्शन चेन में और 0.3 डेल्टा की मैं यहाँ पे कॉल सेल कर दूँ। तो ये रही 0.3 डेल्टा की कॉल, इसको मैंने यहाँ पे सेल कर दिया 1 लॉट, राइट। तो अभी देखेंगे आप कि कॉल साइड का मेरा फिर से जो डेल्टा है वो हो गया है 0.5, ठीक है। अब इसको हम और आगे बढ़ाते हैं और हमारा पे ऑफ चार्ट हम ये रहा, ठीक है। अब देखिए पे ऑफ चार्ट हमारा ठीक चल रहा है। अब हम देखिए बिल्कुल कहाँ आ गए, ये जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है इसके बिल्कुल करीब आ गए, ठीक है। तो हम देखेंगे हमारे ऑप्शन ग्रीक में, तो फिर से हमारा जो कॉल का डेल्टा है वो देखिए कितना डिफरेंस हो गया है, 0.2 और 0.1, 0.3 डेल्टा, राइट। 0.3 नहीं, लगभग 0.4 डेल्टा के आसपास है, क्योंकि ये 0.17 है, ये 0.23 है, तो लगभग 0.4 डेल्टा है। तो 0.1 डेल्टा का यहाँ पे हमारा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो या तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, या अगर आप इसको इग्नोर ना करके सिंपली आप क्या करिए, 0.1 डेल्टा की आप एक कॉल और सेल कर दीजिएगा। तो एग्जैक्ट इसको हम 0.1 डेल्टा पे लेके चलते हैं। तो देखिए ये हमारा 0.1 डेल्टा है, तो इसको मैं सेल कर रहा हूँ एक लॉट। तो फिर से अब हमारा कॉल साइड का जो डेल्टा है वो फिर फुल्ली मैनेज हो गया। अभी इसको हमको मैनेज करने की जरूरत नहीं है पुट साइड का डेल्टा, क्योंकि देखिए अभी भी ये 1 नहीं हुआ है पूरी तरह से, जब ये 1 होगा तब इसको हम जो है एग्जिट करेंगे। तो ये हमारा रहा पे ऑफ चार्ट, ठीक है। इसको और आगे लेके चलो, अब देखिए हम बिल्कुल कॉर्नर पे आ गए हैं। हमारे कॉर्नर क्या, बिल्कुल ब्रेक करने वाले हैं हम अपने ब्रेक इवन को, ठीक है। और हम लॉस में चल रहे हैं लगभग, देखिए कितने में, 7,500 रुपये, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने डरने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे सिचुएशन में अपने रूल पे स्टिक रहो। देखिए अब जो है पुट साइड का डेल्टा हमारा कितना हो गया है, लगभग 1.96 के आसपास पहुंच चुके हैं। आप चाहें तो इसको अभी यहाँ पे क्लोज करके और 0.5 डेल्टा में उसको डिवाइड कर दीजिएगा। अब आप देखिए कॉल साइड का डेल्टा हमारा कितना है, कॉल साइड का डेल्टा देखिए 0.2 लगभग ये है, 0.19 है, तो 0.2 डेल्टा इसको हम कंसिडर कर लेंगे। 0.1 डेल्टा ये है तो 0.3, और लगभग ये हो गया है 0.15, तो लगभग हमारा 0.45 के आसपास हमारा ये डेल्टा है। अभी तो मैनेज है, लगभग हम 0.5 डेल्टा के आसपास ही हैं ओवरऑल कॉल्स में, ठीक है। लेकिन पुट साइड में हमको यहाँ पे एक्शन लेने की जरूरत है, ठीक है। तो अभी आप इसको क्लोज कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इसको मैं एग्जैक्ट 1 पे ही क्लोज करूंगा। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, होने दें इसको 1। देखिए अब ये कंप्लीटली 1 हो गया है, ठीक है। अब ये कंप्लीटली जब 1 हो गया है, लॉस हमारा पहुंच गया लगभग 8,300 के आसपास। तो इसको एग्जिट करके क्या करना है मेरे को, 0.5 डेल्टा के 2 पुट सेल करने हैं। तो चलिए पहले देखते हैं इसका क्या रेट चल रहा है। देखिए इसका जो अभी भाव चल रहा है 1050, ठीक है। तो 1050 पे मैं इस पुट को कर दूंगा क्लोज, 37,900 के जो पुट को 1050 पे मैंने इसको कर दिया क्लोज, राइट। अब जैसा कि हमने रूल में डिस्कस किया था, हमको 0.5 डेल्टा के 2 पुट देखने हैं यहाँ पे। तो 0.5 डेल्टा का पुट कहाँ पे है, तो देखिए ये पुट रहा हमारा 0.5 डेल्टा, ठीक है। इसके मुझे क्या करने हैं, 2 क्वांटिटी, ठीक है, डबल। तो डबल यहाँ पे हम इसको सेल कर देंगे, ठीक है। तो देखिएगा अभी ग्रीक्स में हम चलते हैं। तो अब हमारा देखिए फिर से हमारा लगभग ये डेल्टा 1 ही हो गया है, पहले भी 1 था, अभी भी डेल्टा 1 ही है, ठीक है। लेकिन अब ये 2 पार्ट में डिवाइड है, क्योंकि अब हमने यहाँ पे इसकी क्वांटिटी डबल सेल किया, पहले 1 लॉट था अब 2 लॉट है। तो 2 लॉट में 0.5 0.5 करके ये फिर से 1 डेल्टा हो गया है, राइट। अब बात करते हैं कॉल साइड, कॉल साइड का डेल्टा कितना है, देखिए 0.2, तो ये है लगभग, क्योंकि 0.18 है तो लगभग 0.2 डेल्टा इसको कंसिडर कर लेंगे हम। ये भी लगभग 0.1 डेल्टा है यहाँ पे, ठीक है। तो लगभग ये हो गया 0.3 डेल्टा, 0.3, और ये लगभग तो 0.43 के आसपास जो है आपका डेल्टा है। तो अभी भी ठीक है, मैनेज्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जब नीचे आएगा, ये 0.4 के नीचे आएगा, देन वी विल इट मेक अगेन टू 0.5 डेल्टा। अब इसको मैं आगे और आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अभी मैनेज्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। अब देखिएगा हमारा लॉस पहुंच गया कितना, 14,000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से हमको क्या करना है, ये जो कॉल साइड का डेल्टा है इसको फिर से कितना बना देना है हमको, 0.5 डेल्टा, राइट। तो पहले क्या करें, इसमें से एग्जिट कर लेते हैं। 38,200 की जो कॉल है ये 0.7 डेल्टा पे है, ये 0.1 डेल्टा पे है, ठीक है। इन दोनों को एग्जिट कर लेते हैं पहले, और ये भी लगभग 0.1 डेल्टा पे है, ठीक है। तो बहुत कम इनका डेल्टा हो गया है तीनों का,
कितना हो गया देखिए, 0.1 और 0.1, 0.2, ठीक है, और ये 0.1 के आसपास इसको कौन, तो 0.3 डेल्टा है, ठीक है, 0.3 डेल्टा है, तो इसको पहले तो क्लोज करते हैं इनको वन बाय वन करके। तो देखिएगा दोस्तों, 38,100 की कॉल हम ऑलरेडी बंद कर चुके हैं, 200 की कॉल, देखिए 38,200 की जो कॉल थी, अभी ये ट्रेड कर रही है, कितने पे ट्रेड कर रही है, 22 रुपीज़ पे। तो ठीक है, पहले तो इसको क्लोज कर लेते हैं 22 रुपीज़ पे, राइट, ये क्लोज हो गई। और देखिए 38,200 की जो कॉल है, सॉरी ये 37 रुपीज़ की है, तो इसको 37 पे क्लोज करेंगे, 37, ठीक है, 37 में चल रही है। और हमारी दूसरी जो कॉल थी 38,000 कॉल, दूसरी हमारी कॉल है दोस्तों ये रही 37,900 की, तो 37,900 की जो कॉल है ये हमारी ट्रेड कर रही है, देख लेते हैं 37,900 की, और ये 55 रुपये पर ट्रेड कर रही है 55 रुपीज़ पे, तो चलिए इसको भी क्लोज कर लेते हैं, ये हो गई हमारी 55 पे, इसको भी क्लोज कर लेते हैं, राइट। और चलिएगा एक कॉल हमारी शायद और रह गई होगी इसमें, और कौन सी कॉल है हमारी, एक कॉल ये रहेगी 37,700 की, ये कितने पर ट्रेड कर रही है, ये कर रही है 73 रुपीज़, ठीक है, ये कर रही है 73 रुपीज़ पे, तो चलिए इसको भी क्लोज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से हम जो है मैनेज कर लेंगे अपने डेल्टा को। तो लगभग मैंने सारी अपनी कॉल्स जो है क्लोज कर दी, अब मुझे फिर से इसको 0.5 डेल्टा पे शिफ्ट करना है अपनी कॉल्स को, ठीक है। तो हम गए फिर से ऑप्शन चेन में, तो एक सिंपल सा तरीका यह है कि जब भी आप इसको 0.5 डेल्टा पे शिफ्ट करें तो एग्जैक्ट एटीएम पे ना जाएं, इसको क्या करिए आप, सेम एज इस कॉल को भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिएगा, दो पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे, आप 0.25 डेल्टा की दो कॉल यहां पे सेल कर दीजिएगा, तो ये देखिए 0.25 के आसपास ये डेल्टा है आपको, तो इसकी आप डबल कॉल सेल कर दीजिए, टू लॉट यहां पे आप सेल कर दीजिएगा। तो जैसे ही आपने इसको टू लॉट सेल किया, आप देखिए कहां है आपकी टू लॉट, ये देखिए जैसे मैंने इसको टू लॉट सेल किया 37,300 की कॉल को, तो ये लगभग 0.5 डेल्टा हमारा हो गया, राइट। अब इसको फिर से हम चलते हैं आगे, देखिए मार्केट थोड़ा सा ऊपर आया है, जैसे ही ये हमारा फिर से 0.5 डेल्टा के नीचे जाएगा, जैसे ही हमारा ये दोस्तों फिर से 0.5 डेल्टा के नीचे जाएगा, फिर से हम इसको मैनेज कर देंगे, ठीक है। चलिए अभी फिर से ठीक है, पोजीशन हमारी ये दोनों साइड में, कॉल साइड और पुट साइड में मैनेज्ड पोजीशन, ठीक है। अभी देखिएगा ये जो हमारा पुट साइड का जो डेल्टा है ये कम हो रहा है, ठीक है, पोजीशन शायद है हमारी अभी 3,800 के लॉस में है, ठीक है। जैसे ही ये हमारा 0.5 डेल्टा के नीचे जाएगा पुट साइड अगेन, ठीक है, इसको हमको फिर से मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसको हम फिर और आगे लेके चलते हैं, और आगे लेके गए, ठीक है। अभी देखिए ये 0.6 डेल्टा पे आ गया, कितने पे आ गया दोस्तों, 0.6 डेल्टा पे, हम लगभग लॉस में रह गए अभी 600 के, 0.6 डेल्टा पे आ गए हम, इसका मतलब क्या है, दो लॉट है, एक लॉट कितने का हो गया, 0.3 डेल्टा का, तो 0.3 डेल्टा का एक लॉट है, इसका मतलब हमारा जो ओवरऑल डेल्टा है यहां पे कितना है, 0.3, कितना है डेल्टा, 0.3, क्योंकि दो लॉट है इसलिए आपको ये 0.6 दिख रहा है, तो ओवरऑल डेल्टा हमको कितना करना है, 0.5, यहां पे फिर से हमको ये डेल्टा कितना करना है, 0.5, तो क्या करें हम, यहां से एग्जिट करके और फिर से हम 0.5 डेल्टा के दो पुट यहां पे हम सेल करेंगे, ठीक है। तो इसमें से एग्जिट कर लेते हैं, इसका भी रेट क्या चल रहा है वो देख लेते हैं, हमारी जो पुट आउटस्टैंडिंग है वो है 36,900 की पुट हमारी आउटस्टैंडिंग है, इसका भाव चल रहा है 122 रुपये, ठीक है, तो इसको क्लोज करते हैं 122 रुपये, ठीक है, 122 रुपये हो गया इसका। अब हमको 0.5 डेल्टा का फिर से पुट देखना है, और एज यूजुअल हम उसको दो लॉट सेल करेंगे, ठीक है, तो 0.5 डेल्टा का पुट ये रहा दोस्तों,
इसको हमको सेव करना है टू लॉट। तो अब हमारा ये आउटस्टैंडिंग डेल्टा यहाँ पे कितना हो गया पुट साइड में, फिर से ये देखिएगा, ये मैंने सेल कर दिया, तो अभी डेल्टा कितना है यहाँ पे एक लॉट पे, एक लॉट पे हो गया फिर से वही 0.5 डेल्टा। ठीक है, तो चलिए फिर से 0.5 डेल्टा के नीचे जाएगा, हम फिर से इसको जो है मैनेज कर देंगे। तो फिर से इसको आगे लेके चलते हैं, अभी मैनेज्ड है। ठीक है, अब अगर ये ध्यान रखिएगा, मैंने जैसे बताया था, अगर ये कॉल साइड का डेल्टा हमारा फिर से जो है एक के ऊपर जाएगा, ठीक है, तो हम फिर से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अभी ये 0.4 डेल्टा के आसपास है। चलिए अभी फिर से चलते हैं, अभी मैनेज्ड है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है और प्रॉफिट में भी हम आ चुके हैं। फिर से इसको लेके गए आगे, अगर आप पे ऑफ चार्ट देखना चाहते हैं तो देखिए हम लगभग अभी मिडल में है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसको आगे बढ़ाते हैं, अब देखिए हम फिर से जो है ये बीच में आ गए स्लोप में। ठीक है, लगभग प्रॉफिट कितना है हमारा, लगभग 7,000 रुपीज। ओके, अब देख लेते हैं हम अपने ग्रीक्स की हाल क्या है। तो देखिए दोस्तों, फिर से हमारा ये जो कॉल साइड, तो ठीक है कॉल साइड में डेल्टा स्टिल हमारा कितना है 0.5, क्योंकि दो लॉट है ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन जो पुट साइड का डेल्टा है वो कितना रह गया है 55। 55 का मतलब ये कि दो लॉट है, तो यहाँ पे इसको डिवाइड करना है हमको टू पार्ट में, तो ये 0.25 डेल्टा के आसपास, तो 0.25 डेल्टा है, तो इसलिए फिर से इसको हम एग्जिट करेंगे और फिर से हम 0.5 डेल्टा पे इसको शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं 37,200 का जो पुट है वो भी कितने पे ट्रेड कर रहा है, वो ट्रेड कर रहा है 61 पे, तो इसको एग्जिट करते हैं दोस्तों 61 पे, 61 पे इसको एग्जिट कर लिया हमने, और मैं फिर से जो है 0.5 डेल्टा हमको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो 0.5 डेल्टा मुझे कहाँ मिलेगा देख लेते हैं, पुट साइड में ये रहा। ठीक है, इसको हम फिर से दो लॉट यहाँ पे मैं सेल करूँगा। अभी देखिएगा फिर से मेरा जो है डेल्टा यहाँ पे मैनेज हो जाएगा। ठीक है, फिर से मेरा डेल्टा यहाँ पे ये मैनेज होगा 0.5 डेल्टा पे फिर से हमारा। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं हम। ठीक है, 0.6 देखिए, फिर से ये डेल्टा हमारा कितना हो गया है 0.3 डेल्टा पे हम आ गए, फिर से कितने पे आ गए 0.3 डेल्टा पे। लेकिन एक और यहाँ पे घटना घटी है, अभी प्रॉफिट हमारा 6,000 है। देखिएगा ये जो कॉल साइड का डेल्टा है ये हमारा कितना हो गया दोस्तों 1, क्योंकि दो लॉट है ध्यान रखिएगा, ये 200 हो गया, इसका मतलब ये डेल्टा हमारा हो गया है 1 एक लॉट पे। ठीक है, दो लॉट पे हो गया है 200। तो क्या करना है हमको एज यूजुअल एज रूल इसको ब्रेक करके हमको फिर से 0.5 डेल्टा पे लेके जाना। ठीक है, तो इसमें से हम एग्जिट करेंगे, क्या करेंगे हम इसमें से एग्जिट करके 0.5 डेल्टा के हमको कितना बेचना है 4 लॉट, अभी कितना है 2 लॉट, इसको हमको 4 लॉट सेल करना है 0.5 डेल्टा पे। मार्केट कहाँ पे है देखिए, लगभग 37,600 के आसपास, तो चलिए पहले इसको क्लोज कर लेते हैं, इसको क्लोज करेंगे कॉल को, कॉल 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 है हमारी ये रही। ठीक है, 37,300 की जो कॉल है ये ट्रेड कर रही है दोस्तों 290 पे, 290 पे। ठीक है, तो इसको क्लोज कर लेते हैं पहले 290 पे, 290। ठीक है, इसको क्लोज कर लिया मैंने, मैं गया अब ऑप्शन चेन में और 0.5 डेल्टा के अब मैं यहाँ पे कितने लॉट सेल करूँगा 4 लॉट ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं ऑप्शन चेन में और देखिए ये रहा हमारा लगभग 0.5 डेल्टा, इसके हमको कितना लॉट सेल करने हैं 4, 4 लॉट में सेल कर राइट। ठीक है, अब पुट बात करते हैं पुट साइड की, देखिएगा पुट साइड में डेल्टा मेरा कितना है, ये फिर से हमारा 200 हो गया देखिएगा। ठीक है, पहले 200 था, अभी भी हमारा ये 200 है क्योंकि ये 4 लॉट पे है, लेकिन पुट साइड का डेल्टा कितना रह गया है 0.3, तो इसको फिर से शिफ्ट करके हमको क्या करना है 0.5 के। तो 0.5 करने के लिए मुझे क्या करूं, मैं यहां पे या तो दो लॉट जो है और सेल कर दूं कितने डेल्टा के 0.2 डेल्टा के, तो 0.2 डेल्टा के मैं यहां पे जाऊंगा दो लॉट सेल कर लूं, तो देखिएगा 0.2 डेल्टा के दो लॉट मैं यहां पे और सेल करूंगा, तो ये रहा 0.2 डेल्टा, इसके दो लॉट हम यहां पे और सेल कर देंगे या फिर उसको हम शिफ्ट भी कर सकते थे। ठीक है, दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो अभी देखिएगा फिर से ये जो डेल्टा है आपका पुट साइड का, ये देखिए फिर से आपका ये डेल्टा हो गया है 0.5 दोनों को मिला के 1 है, तो क्योंकि हमारे पास में 4 लॉट है दोनों को मिला के, तो ये डेल्टा हमारा फिर से 0.5 पे आ गया। ठीक है, अब इसको फिर से आगे बढ़ाते हैं, मार्केट और थोड़ा ऊपर गया है, पे ऑफ चार्ट देख लेते हैं हम एक बार अपना। ठीक है, प्रॉफिट हमारा लगभग
3400 के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो इसको और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, और ग्रीक्स में चलते हैं। क्या हाल है हमारे पुट का डेल्टा का, ठीक है, कॉल का डेल्टा तो ठीक है, लेकिन पुट का डेल्टा हमारा फिर से कितना रह गया है, 0.4 0.3, ठीक है, मैनेज्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आगे इसको और लेके चलते हैं, तो अभी भी देखिए मैनेज्ड है, और हम चल रहे हैं अभी एक्सपायरी वाले दिन, ठीक है। अभी हम 3800 के रुपीज़ के प्रॉफिट में चल रहे हैं। अब देखिए फिर से हमारा डेल्टा ये यहाँ पे हो गया है मिसमैच, फिर से डेल्टा कितना हो गया है मिसमैच। कैसे मिसमैच हो गया है, तो देखिए मार्केट आ गया 37,700 पे, और डेल्टा मिसमैच कैसे हुआ है वो भी आप देख लें। देखिए ये है लगभग 0.1 डेल्टा, क्योंकि दो लॉट पे बात कर रहे हैं, तो 20 है तो 0.1 डेल्टा, और ये भी है कितना 0.15, क्योंकि 30 है तो इसको डिवाइड करेंगे हम 2 से तो 0.15, ठीक है। तो ओवरऑल करके हमारा डेल्टा कितना हो गया यहाँ पे, हमारा डेल्टा हो गया दोस्तों यहाँ पे 0.25 के आसपास, ठीक है, ऑन 4 लॉट टोटल करके, ठीक है। तो एक ऑप्शन क्या है मेरे पास में अवेलेबल, कि इससे एग्जिट कर लूँ मैं, इससे पूरे से मैं कर लूँ एग्जिट, और एग्जिट करके मैं फिर से 0.5 डेल्टा पे फिर से पुट सेल कर दूँ। तो चलिए इससे दोनों से हम एग्जिट कर लेते हैं पहले। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा ये, आई होप अगर आपको अच्छे से ये कैलकुलेशन समझ आ गई होगी। तो इसको फिर से हम 17 पे शिफ्ट कर एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। और ये जो दूसरा हमारा पुट है ये है 23 पे, इसको 23 पे एग्जिट कर लेते हैं। ऑलराइट, चलिए अभी दोनों पुट हमने कर लिए एग्जिट। अब मैं सिंपली जाऊंगा ऑप्शन चेन में, और 0.5 डेल्टा के 2 लॉट पुट में यहाँ पे सेल कर दूंगा। तो 0.5 डेल्टा कहाँ पे है हमारा, ये रहा, ठीक है, इसके 2 लॉट में सेल कर दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं इसको फिर से आगे लिए, पे ऑफ चार्ट देखिए, अभी भी हम प्रॉफिट में हैं, और आगे लेके चलते हैं। प्रॉफिट हमारा लगभग पहुंच गया है 7400, चलते हैं आगे पे ऑफ चार्ट में। अभी भी हम जो है देखिए, अब हम फिर से हमारा देखिए डेल्टा शायद है मिसमैच हुआ होगा, प्रॉफिट में हम अभी 3700 के, लेकिन डेल्टा देखिए कहाँ पे है, डेल्टा हमारा फिर से मिसमैच हो गया, कितने पे आ गए दोस्तों हम 43 पे। फिर से इसको हमको कहाँ ले जाना है, 0.5 डेल्टा पे, क्यों ले जाना है, देखिए 2 लॉट पे बात हो रही है, तो 2 लॉट पे 0.43 है, तो मैं 0.2 डेल्टा के आसपास, तो 0.3 डेल्टा मुझे यहाँ पे और चाहिए, तो क्या करूँ मैं 0.3 डेल्टा का, या तो 2 लॉट यहाँ पे और सेल कर देते हैं। तो 0.3 डेल्टा का, 0.3 डेल्टा, 0.3 डेल्टा कहाँ होगा, मार्केट है हमारा 37,700, डेल्टा शो ही नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये लगभग हमारा यहाँ पे 0.3 डेल्टा के आसपास, लेकिन बहुत कम प्रीमियम रह गए हैं यहाँ पे, ठीक है, 5 रुपये प्रीमियम रह गया। तो लगभग ये यहाँ पे 37,800 के आसपास ये हमको 0.3 डेल्टा पे मिल जाएगा, तो इसके 2 लॉट हम यहाँ पे सेल कर दो, ठीक है। ये शो नहीं कर रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसको आगे लेके चलते हैं, ठीक है। लगभग 8,500 रुपये का प्रॉफिट है हमारा, और इसको हम बिल्कुल नेट टू नेट कर देते हैं क्लोज। तो देखिए लगभग 8,000 रुपये के प्रॉफिट में यहाँ पे हम एग्जिट हुए, सारे खर्चे वर्चे निकाल के, तो भी आपको जो है लगभग 6-7 हज़ार रुपये इसमें बच जाना चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरह के हमारे एडजस्टमेंट है, जहाँ पे मार्केट ने जो है, हमने इसको क्रिएट किया था लगभग 38,000 पे, मार्केट 36,500 तक गया, लगभग 1,500 पॉइंट डाउन हुआ, उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गए, अगेन 1,500 ऊपर आया, और फिर भी जो है हम इस ट्रेड से जो है प्रॉफिट में निकले। ये पोजीशन तब है दोस्तों जब हमारा व्यू था मार्केट में बुलिश, मार्केट जो है हमारे अगेंस्ट गया, नीचे गया, तब हम इस स्ट्रेटेजी से निकले हैं कंप्लीटली प्रॉफिट में। तो आई होप आपको एडजस्टमेंट समझ आए होंगे, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू गाइज, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, थैंक
थैंक यू फॉर वॉचिंग।